दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MBA सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस टर्म है जिसका सिंपली मतलब होता है कि एक तरीके की फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है या फॉर्मल डिस्कशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जिससे क्या होता है इंटरव्यू प्रोसेस से हमको क्या चेक करना होता है कि एक एम्प्लॉयर किसी भी कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज़ और सेट ऑफ स्किल्स को पता कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंपली मेथड्स फॉर सिलेक्शन पर्पज़, यानी कि अगर हमको बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जितने भी लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया अगर उन सभी में से अगर हमको बेस्ट सुटेबल और परफेक्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू प्रोसेस को कंडक्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमको अगर बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना है तो इंटरव्यू प्रोसेस की हेल्प से हम उसकी कैपेबिलिटीज़ और सेट ऑफ स्किल्स का पता लगा सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि वो काम करने लायक है या कि नहीं है, यानी कि वो कंपनी में काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, इससे हम ये देखते हैं कि वो उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है और साथ ही साथ में जितने भी अनसुटेबल अनपरफेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है विच अलाउज एन एम्प्लॉयर टू व्यू द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जिसको भी हायर करने जा रहे हो आप तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को चेक करना कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, ठीक है, इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वो काम करने लायक है कि नहीं है आपकी कंपनी के अंदर। देन आगे क्या है कि ये एक तरीके का मोड है जिसमें से मेकिंग फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू एक्वायर अ बेसिक आइडिया अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट। यानी कि इसमें हमको क्या करना रहता है कि एक एम्प्लॉयर जो होता है उसको बेसिक आइडिया मिलता है कि कैंडिडेट के पास में कितनी नॉलेज है, कितनी टेक्निकल स्किल्स हैं और कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कितनी उसके पास में नो कि कितना उसको आता है, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमको उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेक करनी होती है। और इंटरव्यू एक तरीके का ऐसा बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, यानी ट्रेडिशनल इंटरव्यू में हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यू लेते थे बट आज के समय पर हम लोग वीडियो से वीडियो इंटरव्यू भी ले लेते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आजकल के समय में कुछ एक मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं जो कि इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प करती है, जिसमें सबसे पहला है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू टेक्निक। टेलीफोन की हेल्प से इंटरव्यू सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, आजकल आप देखते होगे कि अगर आपको कोई किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने अप्लाई किया तो सबसे पहला जो राउंड होता है दैट इज टेलीफोनिक, यानी आपको टेलीफोन की हेल्प से इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो टेलीफोनिक टेक्निक में आपको क्या चेक किया जाता है, आपकी कॉम स्किल्स चेक करी जाती है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके की, ये चीज़ चेक करी जाती है सबसे पहले राउंड के अंदर। देन आपकी जो भी वीडियो इंटरव्यू होता है देन आपको बुलाया भी जाता है कि आप आओ, ऑफलाइन मोड में भी इंटरव्यू होता है। ठीक है, सबसे पहला लेकिन जो होता है दैट इज़ आपका जो सबसे पहला आपका इंटरव्यू होता है वो आपका फ़ोन से ही इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, देन आपका वीडियो इंटरव्यू टेक्निक आती है, वीडियो से भी आपकी कि आप वीडियो में भी बैठ करके बात कर सकते हो। देन आपका पैनल इंटरव्यू टेक्निक आती है, पैनल इंटरव्यू में क्या होता है मोर देन वन एचआर, यानी कि ऐसी जगहों पर आप इंटरव्यू देते हो जहाँ पर कि एक एचआर नहीं होता है, मोर देन वन एचआर। ठीक है, यानी कि दो तीन लोग बैठे होते हैं और वो लोग बैठ करके आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। अब इसका यानी कि इसका पर्पस क्या है, पैनल इंटरव्यू का पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये होता है कि एक एचआर बैठता है जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, दूसरा आदमी बैठता है वो थोड़ा सा उसको टेक्निकल नॉलेज होती है तो आपकी टेक्निकल नॉलेज को देखता है, तीसरा आदमी बैठता है वो थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पैनल इंटरव्यू होता है इसकी हेल्प से एम्प्लॉय जो भी कैंडिडेट है उसको ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। ठीक है, नाउ नंबर फोर्थ में क्या है दोस्तों, ग्रुप इंटरव्यू टेक्निक। ये आजकल के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि एक एक अगर हम कैंडिडेट को बुलाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हम सबसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इससे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा। तो ग्रुप इंटरव्यू टेक्निक में क्या होता है दोस्तों कि हम एक से ज़्यादा दो तीन चार कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं और उन सभी का इंटरव्यू एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, एट अ सेम टाइम एक से हमने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब बाकी सब अपने मन से बोलने लगेंगे कि जैसे ही उसका ख़त्म हुआ बाकी उसने बोला। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है। ठीक है, क्योंकि एक समय में एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स
इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कि आजकल के समय में यूज़ होती हैं इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स कौन कौन से हैं इंटरव्यू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके इंटरव्यू के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका आता है ट्रेडिशनल टाइप। ट्रेडिशनल टाइप आपको पता ही है कि किस तरीके से पहले फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ करते थे। एक आप ऑफलाइन मोड में जाते थे और जा करके पूछा जाता था आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक करी जाती थी, सारी चीज़ें आपकी देखी जाती थी ट्रेडिशनल इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, देन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू भी टाइप्स में ही आता है कि आपकी आपसे बात करी जाती है और उसमें इसकी हेल्प से टेलीफोनिक इंटरव्यू की हेल्प से आपकी कॉम स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की चेक होती है कि यानी आप दे पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ चेक करी जाती है। देन नंबर थर्ड भी क्या होता है, पैनल इंटरव्यू। जैसे मैंने बताया कि मोर देन वन HR यानी कि एक से ज़्यादा HR बैठ करके आपको जज करते हैं और वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं कि आप हर एक फील्ड में अच्छे हो कि नहीं हो, यानी कि आप हर चीज़ में कैपेबल होने चाहिए। आपको टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो ये पैनल इंटरव्यू से का मतलब सीधा सा ये होता है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करना कैंडिडेट की। देन नंबर फोर्थ भी आता है इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। इंफॉर्मेशन इंटरव्यू का मतलब दोस्तों क्या होता है कि इसका जो बेसिक पर्पज होता है ये केवल, इसको आप एक तरीके से मॉक इंटरव्यू बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप हायर नहीं होते उस पर्टिकुलर कंपनी के में, बट वो पर्टिकुलर कंपनी आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने के लिए, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने आप में मैच्योरिटी फील करें और उनको थोड़ा सा कम्फर्ट जोन आए। एक तरीके से मॉक सेशंस लिया जाता है कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन इंटरव्यू होता है, इसको आप और भी आगे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग लेवल का इंटरव्यू होता है क्योंकि इसमें आपको क्या होती है, कंपनियाँ आपको हायर नहीं करती हैं, बस वो आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने की कोशिश करती हैं और बदले में आप उनको क्या देते हो, आप उनका कुछ ना कुछ आप उनका इम्प्रूवमेंट करते हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के अंदर बात कही जाती है। देन मील इंटरव्यू क्या होता है दोस्तों, आपको लंच या डिनर पर इनवाइट किया जाता है और आपको बताया नहीं जाता है कि आपका इंटरव्यू रहा, बट वहीं पर ही आपको जज किया जाता है। ठीक है, आप किस तरीके से खा रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मील इंटरव्यू में भी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू का मतलब मैंने बताया कि एक साथ मोर देन वन कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स जब पहुंच जाते हैं एट अ सेम टाइम टू द पर्टिकुलर HR, यानी एक पर्टिकुलर HR के पास में एक से ज्यादा बहुत सारे कैंडिडेट्स पहुंच जाते हैं, तो वही क्या होता है दोस्तों ग्रुप इंटरव्यू होता है। इससे हमारी बहुत ज्यादा टाइम की बचत होती है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है इंटरव्यूअर्स जो भी HR होते हैं उन सभी का। देन वीडियो इंटरव्यू का मतलब आपको पता ही कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से जब भी इंटरव्यू होता है, ठीक है, सिंपली वही ट्रेडिशनल इंटरव्यू के तरीके। देन आपका एट नंबर में आता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपसे कुछ एक जजमेंटल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और ह्यूमन साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई भी आपको जजमेंटल दे दिया कि आप इस पर्टिकुलर रूम में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि पॉजिटिविटी के अलावा मैं कुछ नहीं ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, उसी अलावा इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपसे कुछ ना कुछ जजमेंटल दे दिया कि आप कितने सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हो, आप लिफ्ट से आए हो, किस तरीके से आए हो, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं आपने बहुत ही सिंपल है, मतलब आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, देखा होगा आपकी शर्ट में कितनी बटन है, तो ये सारी जो भी यानी कि आप जजमेंटल आप सिचुएशन में फंस जाते हो। ठीक है, इस आपकी आंखें अपनी आंखें बंद करो और ये बताओ कि ये इस पूरे रूम का कौन सा कलर है। ठीक है, इस तरीके की आपको कुछ ना कुछ यानी टेढ़े मेढ़े आपसे क्वेश्चन पूछ करके आपको ये चीज़ चेक करता है एक HR कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके का जवाब देते हो। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कितने टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के। अब नेक्स्ट में एक और भी चीज़ आती है कि प्रोसेस इसका क्या होता है। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू यानी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, देन आपका कंडक्ट होता है, देन क्लोजिंग होता है, इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद में इंटरव्यू को क्लोज किया जाता है, उसके बाद में इवेलुएट किया जाता है कि वेदर कैंडिडेट इज फिट फॉर द जॉब और नॉट। ठीक है, इसकी चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, और अभी भी कोई कंफ्यूजन एंड डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक करा करो, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है और
अगर आपको PDF या PPT चाहिए तो आप WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, WhatsApp पे ले सकते हो आकर के। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।